नमस्कार। आज हमारे साथ सीएलसी स्टूडियो में सुजानगढ़ चूरू की रहने वाली विजेता बेनीवाल मौजूद हैं। विजेता अपने नाम के अनुरूप ही विजेता हैं, रियल लाइफ में भी विनर हैं। अभी भी एम्स और नीट का रिजल्ट आया है, आपने 12वीं के साथ विद 12th दोनों एग्जाम्स को क्रैक किया है। आपकी नीट की रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे 428 और आपकी एम्स की रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे 1638। 12वीं में आपके 95.40% मार्क्स हैं, यानी 12वीं के साथ सफलता की हैट्रिक आपने लगाई है 12वीं में अच्छे मार्क्स, नीट को क्रैक करना, एम्स को क्रैक करना। विजेता, सबसे पहले तो इस बड़ी सफलता का बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने मामा को। अपने मामा को सफलता का श्रेय देना चाह रही हैं। मैं थोड़ी सी मामा की पृष्ठभूमि बता देता हूँ। आपके मामा आरपीएस हैं रामचंद्र जी मुंड, फिलहाल नवलगढ़ में डिप्टी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। मामा आदर्श क्यों है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मामा के दोनों बेटे भागीरथ मुंड और गोरख मुंड आज मेडिकल कॉलेज में है और उस समय दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छपी थी कि एक आरपीएस अफसर ने छुट्टी लेकर के एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ करके अपने बेटों को गाइड किया, सीएलसी कोचिंग में एडमिशन दिलवाया और दोनों ही बेटों को 12वीं के साथ सेलेक्ट करवा लिया। भागीरथ 2013 में सेलेक्ट हुए, आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है और गोरख 2015 में सेलेक्ट हुए, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में है। मामा को सफलता का श्रेय देना चाह रही हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि विजेता के दोनों एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद मामा का पहला सेंटेंस क्या था? मामा का सेंटेंस था कि मतलब तूने अपने काम के मतलब तेरे नाम के जो है उसके अनुरूप ही काम किया है, मतलब तू विजेता रही 12th क्लास की, बाकी तो और बस यही, उन्हें बहुत खुशी हुई। चलिए, आप अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनने जा रही हैं, घर में कैसा माहौल है? दादा, नाना, मम्मी, आस पड़ोस, परिवार के और लोग? सब बहुत खुश है। मीन्स उनको मतलब ऐसा तो था कि 10th तक अच्छे खासे नंबर आते थे, फिर मतलब सब बहुत खुश है क्योंकि बहुत कम ही है उधर, मेरे फैमिली में से आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो बहुत खुश है सब। चलिए, आप सीएलसी हॉस्टल में रह करके आपने पढ़ाई की, सीएलसी हॉस्टल के बारे में अक्सर सुनते हैं कि यहाँ 80% जो सीएलसी का रिजल्ट है वो सीएलसी के हॉस्टल से आता है। हॉस्टल्स के अंदर का वो कौन सा माहौल है, वो कौन सा इन्वायरमेंट है जो 80% बच्चों को सिलेक्शन की राह पर ले जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि आपने डीपली इसको महसूस किया है, उस दिनचर्या को आपने जिया। मतलब एक तो घर से बाहर भेजा पेरेंट्स ने, ज़्यादा दूर भी नहीं भेजा, तो भी उनको डर रहता था कि भाई सबसे पहले तो सेफ्टी गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे मतलब इतनी सेफ्टी है और मतलब मीन बाहर भी नहीं जाने देते गार्ड्स और सब सही है, और हॉस्टल में ये भी नहीं है कि मतलब आप वहाँ बैठ के टाइम पास करते रहो, मतलब वार्डन टाइम टू टाइम आएगी चेक करने और मतलब सब, अब आप हॉस्टल में सही से पढ़ पाओगे? मेरे को लगता है कि बाहर अपन लोग बैठ के सो जाएंगे और मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, सीएलसी में आप 2 साल रही, 11th और 12th दो क्लास में, 2 साल में आपका सीएलसी को लेकर के क्या अनुभव रहा? यहाँ का एकेडमिक्स, यहाँ टीचर्स, डाउट काउंटर्स, टेस्ट की क्वालिटीज, बोस का गाइडेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कर। मतलब यहाँ की टेस्ट की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, मीन सारे पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं और नीट में भी बहुत क्वेश्चन उसके आए थे, तो उसे बहुत बेनिफिट हुआ और टीचर्स के नोट्स भी अच्छे हैं, टीचर्स मतलब कोऑपरेट करते हैं और मतलब सही है सब, क्लासरूम और मतलब सब वो टाइम टेबल पूरा सेट है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये टेस्ट होना था वो नहीं हुआ, वो तो टाइम टू टाइम होता है सब कुछ। मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं, यहाँ से सफल होने वाला बच्चा एक सेंटेंस कॉमन बोलता है कि बोस का गाइडेंस मुझे इस मुकाम तक लेकर के आ गया। बोस के गाइडेंस का कितना रोल आपकी सफलता में है, क्योंकि हर बच्चा ये बात बोलता है? बोस के साथ जब भी मीटिंग होती थी तो वो मतलब उस पेपर पे लिख के देते थे गोल 680+, 700+, तो उससे मोटिवेशन मिलता ही था। पेपर पर गोल लिख करके देता था, संस्था का डायरेक्टर गोल लिख करके देता था, और ये वो चीजें हैं जो इन विजेता जैसी बेटियों को विनर बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप बड़ी डॉक्टर बने, अच्छी डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें और आगे बढ़ें, सीएलसी परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। थैंक यू।